चलिए बच्चों, हम एक क्रियाकलाप करते हैं और त्वचीय ऊतक को देखते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा हमारी त्वचा करती है, उसी प्रकार से पौधों में भी त्वचा पाई जाती है जो उनके शरीर की रक्षा करती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये त्वचा दिखती कैसे है। चलिए इसे देखने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए रियो की पत्ती, पेट्रेडिश, फॉर्सेप, स्लाइट, ब्लेड, कवर स्लिप, ग्लिसरीन और पानी। आप रियो की पत्ती को देख सकते हैं। इसकी ये ऊपरी परत है जो हरे रंग की दिख रही है और इसकी ये निचली परत है जो लाल रंग की दिखाई दे रही है। इसकी जगह आप दूसरी मांसल पत्तियाँ भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा, जब आप मांसल पत्ती लेंगे तब आप उसे अभिरंजित करेंगे। सबसे पहले हम इस रियो की पत्ती को एक दबाव के साथ तोड़ेंगे ताकि इसकी निचली झिल्ली अलग हो जाए। फिर हम उसे ब्लेड की सहायता से काट लेते हैं और पानी में डाल देते हैं ताकि इसकी कोशिकाएं सूख न जाए। इसे हम स्लाइड के ऊपर रखेंगे और इसमें एक बूंद ग्लिसरीन की डालेंगे। अब हमें स्लाइड को कवर स्लिप से फॉर्सेप और नीडल की सहायता से धीरे से ढकना है। और बच्चों, आपको ध्यान देना है, जब आप इसको ढकेंगे तो इसमें हवा के बुलबुले अंदर प्रवेश न करें, इसलिए हम इसे धीरे धीरे से ढकते हैं। इस प्रकार से मेरी स्लाइड रेडी हो गई है। चलिए इसे हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में जो कोशिकाएं दिख रही है वे पौधे की बाह्य परत, बाह्य त्वचा या जिसे त्वचीय ऊतक कहते हैं, ये पौधों की रक्षा करती हैं। इन कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं भी दिख रही हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों को दुवृक्क आकार की कोशिकाएं घेरे हुए हैं जिसे रक्षी कोशिकाएं कहा जाता है और इनका कार्य होता है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना। इसके अलावा इन रंध्रों का काम पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालना भी होता है। अगर आपको इस प्रकार की कोशिकाओं का समूह दिखाई दे तो इस प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम त्वचीय ऊतक या एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, रियो की पत्ती की निचली सतह की कोशिकाओं को आपने देखा, त्वचीय ऊतक को आपने देखा, इन रियो की पत्ती में आपने रंध्र मतलब स्ट्रोमेटा को देखा और रक्षी कोशिकाओं को भी देखा। ये जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं ये वायुमंडल से गैसीय आदान प्रदान करने में सहायक होती है। साथ ही ये वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा होती है। तो त्वचीय ऊतक ये पौधों की सबसे बाहरी परत है, बाह्य त्वचा है, और ये त्वचीय ऊतक पौधों की क्या करती है, रक्षा करती है, इसे सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर ये त्वचीय ऊतक जब आप देख रहे तो आप देख रहे हैं कि कोशिकाएं कैसी दिखाई दे रही है आपको, एकदम पास पास में है मतलब सटी हुई है और इनमें किसी प्रकार का अंतरकोशिकीय अवकाश मतलब गैप भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रायः जो शुष्क स्थानों में जो पौधे मिलते हैं इन पौधों को सूखने से बचाती है ये त्वचीय कोशिकाएं। इसके अलावा अगर जलीय पौधों की बात करेंगे तो जलीय पौधों में
मोम जैसी प्रतिरोधी सतह जो बनती है वो भी क्या है, एक त्वचीय ऊतक है। मतलब ये क्या कर रही है, जलीय पौधों की रक्षा कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है इन्हें। तो इस प्रकार से त्वचीय ऊतक कैसे दिखती है और इनके क्या कार्य होते हैं ये आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, अब हम पैरेन्काइमा ऊतक को देखने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 5 7.3.2 मृदुतक पैरेन्काइमा। इस क्रियाकलाप के लिए हमें केला, पेट्री डिश, वॉच ग्लास, डिसेक्टिंग निडल, आयोडीन विलयन, स्लाइड, कवर स्लिप और सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। डिसेक्टिंग निडल का उपयोग करते हुए केले के नर्म हिस्सों को निकालें। इसे पेट्री डिश या वॉच ग्लास में रखकर डिसेक्टिंग निडल की सहायता से मसलें। मसले हुए केले का थोड़ा सा हिस्सा लेकर स्लाइड में रखें और आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। इस पर कवर स्लिप लगाएं। सूक्ष्मदर्शी में निम्न आवर्धन पर इसका अवलोकन करें। उस भाग को ढूंढें जहां कोशिकाएं अलग हो, न कि एक दूसरे से सटी हुई। स्लाइड को आयोडीन से अभिरंजित करने पर कोशिकाओं के अंदर स्थित स्टार्च के कण गहरे नीले रंग के हो जाते हैं और गुच्छे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस भाग को उच्च आवर्धन पर फोकस कर इन कोशिकाओं की व्यवस्था को देखने का प्रयास करें। अवलोकन की गई कोशिकाओं की व्यवस्था का चित्र आप अपनी कॉपी में बनाएं। आप पाएंगे कि इन कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होता है। कोशिकाएं छोटी होती हैं, इनमें कोशिका द्रव्य कम और कणिकामय होता है। कोशिका झिल्ली स्पष्ट और बारीक रेखा की तरह होती है। इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। जब पैरेन्काइमा में पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है तब इसे क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य में बड़ी गुहिकाएं होती हैं, इसे एरेन्काइमा कहा जाता है। हेलो बच्चों, आप बिल्कुल सही समझ रहे। ये केला मैंने क्रियाकलाप के करने के लिए ही लाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। चलिए इसे देखने के लिए हम क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए वॉच ग्लास, स्लाइड, पानी, आयोडीन विलयन, ब्रश, कवर स्लिप, ब्लेड। सबसे पहले हम केले को छीलेंगे और इसके नर्म हिस्से को ब्लेड की सहायता से निकालेंगे और इसे वॉच ग्लास में रख देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसकी कोशिकाएं सूख न जाए। अगर इसकी कोशिकाएं सूख जाती है तो हम इसे माइक्रोस्कोप में ठीक से नहीं देख पाएंगे। अब फोर्सेप की सहायता से इसे थोड़ा सा हम मसल देते हैं और इसके थोड़े से हिस्से को हम स्लाइड पर ले लेते हैं। हमारे पास डिसेक्टिंग नीडल है, इससे इसको हम अच्छे से अलग अलग कर देंगे ताकि इसकी कोशिकाएं हमको माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाई दे, कुछ इस प्रकार से। इसमें अब थोड़ा सा आयोडीन विलयन डालेंगे ताकि केले में उपस्थित स्टार्च के कण आयोडीन विलयन डालने से गहरे नीले रंग के हो जाते हैं, जो गुच्छे के रूप में हमें सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देंगे। अब कवर स्लिप लेंगे और इसे निडल की सहायता से
धीरे धीरे स्लाइड के ऊपर हम रखेंगे। ध्यान रखिए बच्चों, जब हम इस कवर स्लिप को रखते हैं तो हमें बहुत धीरे से रखना है ताकि हवा के बुलबुले इसमें प्रवेश न करें। तो देखिए हमारी स्लाइड तैयार हो गई। चलिए इसको हम देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में आपको जो कोशिकाएं दिखाई दी वो छोटी छोटी थी और इनकी कोशिका झिल्ली रेखा की तरह बारीक थी, और इसमें जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य कणिकामय होता है, मतलब कणिका के रूप में होता है और इसकी मात्रा बहुत कम होती है। और इन कोशिकाओं का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें अंतर कोशिकीय स्थान मतलब इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। और इस प्रकार की कोशिकाएं अगर आपको दिखाई देती है तो इसे हम मृदुतक ऊतक या पैरेन्काइमेटस टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने देखा कि पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं ये कैसी दिख रही हैं, ये छोटी दिखाई दे रही हैं। इसकी जो कोशिका झिल्ली है एक बारीक रेखा की तरह, आप यहाँ पर देख रहे हैं बारीक रेखा की तरह दिख रही है। इनमें कोशिका द्रव की मात्रा बहुत ही कम होती है। कोशिका झिल्ली बारीक के साथ साथ स्पष्ट दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इन कोशिकाओं में मतलब पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है इनमें आपको गैप भी दिखाई दे रही है, इनमें गैप भी पाई जाती है। बच्चों अगर पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हरे रंग का जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्लोरोफिल। किन में है ये, पैरेन्काइमा में उपस्थित है। पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल या पर्णहरिम पाया जाता है तब इसे हम क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। क्लोरीन मतलब क्लोरोफिल से संबंधित है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, क्लोरेन्काइमा। ऐसे ही जलीय पौधों की अगर हम बात करेंगे तो जलीय पौधों की जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है ये इनमें बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती है, तब हम इसे पैरेन्काइमा न कहकर क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। तो इस प्रकार से पैरेन्काइमा की कोशिकाएं बारीक झिल्ली वाली होती है, कोशिका द्रव की मात्रा कम होती है, छोटा केंद्रक इसमें आपको दिखाई देता है और जो स्पष्ट दिखाई देता है तो आप इसे देखकर पहचान सकते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप से देखेंगे कि स्क्लेरेन्काइमा ऊतक कैसे दिखाई देता है। क्रियाकलाप 6.7.3.3 दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा। इसके लिए हमें नर्म और पके हुए अमरूद, नाशपाती, आयोडीन विलयन, स्लाइड, कवर स्लिप और सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। निडल की सहायता से अमरूद के कुछ नर्म भागों ऊतकों को निकालकर स्लाइड के ऊपर रखें। इन ऊतकों पर आयोडीन विलयन की 2 बूंदें डालें। इन ऊतकों को निडल की सहायता से मसलें ताकि कोशिकाएं अलग अलग हो जाएं। सूक्ष्मदर्शी में निम्न आवर्धन पर इसका अवलोकन करें, आपको पैरेन्काइमा से घिरी गहरे रंग की रचनाएं दिखाई देंगी। इनमें से एक या दो गहरी रचनाओं पर सूक्ष्मदर्शी में फोकस करें। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। इसकी कोशिकाएं लंबी, पतली और मृत होती हैं, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट की तरह कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। कोशिका भित्ति में इसके जमाव के कारण कोशिकाओं के मध्य आंतरिक स्थान नहीं होता है। नारियल के रेशे, संतरों के बीजों का आवरण, सूखी तोरई के रेशे आदि भी स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के उदाहरण हैं। वाह, ये अमृत तो बड़ा मीठा है, आपको भी पसंद होगा और आपने भी इसे बहुत खाया होगा। अंदर से बड़ा मीठा है
लेकिन बाहर से थोड़ा सा कठोर लग रहे हैं। ऐसा क्यों? चलिए इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। क्या आप जानते हैं इसमें विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं और वो कैसे दिखते हैं? आज हम उसे माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं। इसके लिए हमें कुछ सामग्री ज़रूरी होती है जो यहाँ पर मैंने पहले से रख दी है। स्लाइट, डिसेक्टिंग नीडल, फोर्सेप, वॉच ग्लास, कवर स्लिप, ब्लेड और आयोडीन विलयन। सबसे पहले हम अमरूद के गूदे को निकालते हैं। इसको ब्लेड की सहायता से काटेंगे। फॉर्सेप से इसके गूदे को मैंने यहाँ निकाला है और वॉच ग्लास में डाल दिया। इसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे ताकि जो अमृत का गूदा है वो सूख न जाए। इसमें से थोड़ा सा गूदा स्लाइड के ऊपर मैंने लिया और उसे डिसेक्टिंग नीडल की सहायता से हम मसलेंगे इस प्रकार से। ताकि इसकी कोशिकाएं अलग अलग हो जाए और हमें माइक्रोस्कोप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसमें एक बूंद आयोडीन विलयन की डाली जिससे इसमें स्टार्च के कण गहरे नीले रंग के हो जाएंगे और जो हमें माइक्रोस्कोप में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अब इसके ऊपर हम धीरे से एक कवर स्लिप ढकते हैं। धीरे से रखना है ताकि हवा के बुलबुले इसमें प्रवेश न करें। इस प्रकार से हमारी स्लाइड यहाँ पर रेडी हो गई। अब इसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसमें कोशिकाएं दिख रही है, वे लंबी, पतली और मृत दिख रही हैं। इसके अलावा लिग्निन के जमाव के कारण इसमें इंटरसेलुलर स्पेस या अंतरकोशिकीय स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि अमरूद में विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिसे हम दृढ़ोतक ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। आप अपना क्रियाकलाप करिए, मैं अपना अमरूद खाती हूँ। तो बच्चों देखिए, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक आपने देखा कि ये किस प्रकार की कोशिका है। ये रेशेदार कोशिका है, ये मृत कोशिकाएं होती है और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें एक सीमेंट की तरह जमने वाला रासायनिक पदार्थ का जमाव हो जाता है जिसे हम कहते हैं लिग्निन। और इसी लिग्निन के जमाव के कारण इसकी कोशिका भित्ति देखिए मोटी हो जाती है और इस मोटे होने के कारण ये पौधों को एक कठोरता, एक मजबूती प्रदान करती है या हम कह सकते हैं एक सहारा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से जो स्क्लेरेनकाइमा कोशिका है आप किस में देख सकते हैं? जैसे नारियल के रेशे हैं, जूट है, संतरे के बीज है, सूखी तोरी, आप सबने ये सब चीज़ें देखी हैं। ये जो होते हैं ये स्क्लेरेनकाइमा के उदाहरण हैं। तो परीक्षा में स्क्लेरेनकाइमा के उदाहरण पूछे जाते हैं तब आपको ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि स्क्लेरेनकाइमा को मृत ऊतक या डेड टिश्यू क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा को मृत ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट की कमी हो जाती है।
एक समय बाद इनमें विभाजन रुक जाता है। विभाजन रुक गया मतलब ये जो कोशिकाएं कैसे हो जाती है, डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। इनमें क्या हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट की कमी हो जाती है। इनकी जो दीवारें होती है ये बहुत ही मोटी होती है। क्यों होती है, अभी हमने बताया, क्योंकि इनमें लिग्निन का जमा हो जाता है। कोशिका वृद्धि हो भी रही होंगी तो भी ये जो कोशिकाएं होती है, मृत ऊतक जो होते हैं ये विभाजित नहीं होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में जो परिपक्व कोशिकाएं होती हैं ये स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में नष्ट हो जाती है और ये विभाजित नहीं होती है, इसलिए हम इसे मृत ऊतक या डेड टिश्यू कहते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे जंतु ऊतक की। तो पौधों की तरह जंतुओं के शरीर में भी विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और ये विभिन्न प्रकार के अंग अलग अलग प्रकार के ऊतक से बने होते हैं। और ये जो अंग होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ऊतक से बने होते हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं और इस प्रकार से जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है इनमें ये ऊतक सहायक होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जंतु ऊतक जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु ऊतक को इनके कार्य के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है त्वचीय ऊतक, डर्मल टिश्यू। दूसरा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो बच्चों हम एक एक करके इन टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्वचीय ऊतक या डर्मल टिश्यू की। तो हमने देखा कि पादप में भी डर्मल टिश्यू यानी त्वचीय ऊतक पाई जाती है जो उन पौधों में पाए जाने वाले अंदर के अंगों की रक्षा करती है। वैसी ही जीवों के शरीर में, जंतुओं के शरीर में भी त्वचीय ऊतक पाई जाती है जो एक कवच की तरह कार्य करती है और शरीर के बाहर में जो त्वचा पाई जाती है और शरीर के आंतरिक अंगों के सतह पर भी जो त्वचा पाई जाती है ये त्वचा या किसकी बनी होती है, त्वचीय ऊतक की बनी होती है। और इनका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। किससे सुरक्षा प्रदान करना, अगर कभी अचानक से चोट लग जाए या किसी प्रकार का धक्का लग जाए तो ये हमारी त्वचा क्या करती है, इन धक्कों से, इन चोटों से हमारे शरीर के अंदर के अंगों की रक्षा करती है। तो इसलिए त्वचीय ऊतक को सुरक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। तो ये कैसे दिखती है, तो आप यहाँ पर देखिए कि जो त्वचीय ऊतक है इसकी कोशिकाएं पतली दिखाई दे रही हैं, इसमें केंद्रक भी हैं और ये जो कोशिकाएं हैं पास दिखाई दे रही है, मतलब सटी हुई है, इसमें अंतर कोशिके अवकाश हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से त्वचीय ऊतक दिखाई देती है। तो हम त्वचीय ऊतक को देख सकते हैं, बिल्कुल हाँ आप देख सकते हैं। और आपने पिछले चैप्टर में कोशिका में गाल की कोशिकाओं को देखा होगा। तो ये गाल की जो कोशिकाएं है ये किसकी बनी होती है, त्वचीय ऊतक की बनी होती है। तो गाल की कोशिकाएं मतलब आपकी त्वचा है। तो ये त्वचीय ऊतक को और हम कहाँ देख सकते हैं, हमारी त्वचा जो होती है ये भी त्वचीय ऊतक से बनी होती है। ऐसी मुंह के अंदर की जो सतह है मतलब हमारी जो गाल की कोशिका है वो भी किसकी बनी है, त्वचीय ऊतक की बनी है। रक्त वाहिनियों के जो किनारे होते हैं, वृक्क की जो नलिकाएँ होती है, साथ ही फेफड़ों की जो वायु कुपिकाएँ होती है, ये सभी त्वचीय ऊतक की बनी होती है। और ये सभी क्या कर रही है, त्वचीय ऊतक जो होते हैं ये इन अंगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो त्वचीय ऊतक है एक प्रकार से कवरिंग है, एक प्रकार से कवर बना हुआ है, एक कवच बना हुआ है जो हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। साथ ही इसका और भी कार्य है, जैसे कि जितने भी पोषक पदार्थों का आवागमन होगा त्वचीय सतह से ही होगा, तो पोषक पदार्थों के आवागमन में भी सहायता कर रही है, अपशिष्ट पदार्थों के संवहन में भी ये सहायता कर रही है। हमारे शरीर में अगर चोट घाव लग जाती है तो उसके मरम्मत में भी ये सहायता करती है। इस प्रकार से ये त्वचीय ऊतक को आप गाल की कोशिकाओं में भी देख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो आपके जो बालों में रूसी होती है उस रूसी को भी आप माइक्रोस्कोप में देखिए तो आपको इस प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देगी। और एड़ी में जो त्वचा पाई जाती है उस त्वचा को आप खरोच कर हल्का सा निकाल कर
माइक्रोस्कोप में देखिए तो वहाँ पर भी जो आपको ऊतक दिखाई देगी वो कौन सी ऊतक होंगी, त्वचीय ऊतक या डर्मल टिश्यू। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरी ऊतक की, जिसका नाम है संयोज्य ऊतक। इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ये संयोजन का काम कर रहे हैं। किसका संयोजन? एक अंग का दूसरे अंग के साथ संयोजन। तो हम कह सकते हैं कि ये संयोजी ऊतक ही है जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ते हैं, मतलब हम कहेंगे कि ये जोड़ने का कार्य करते हैं, साथ ही ये सहारा देने का कार्य भी करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं, जैसे रक्त है, लसीका है, उपास्थि है, अस्थि है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये संयोजी ऊतक है। कहीं ना कहीं ये हमारे एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने में सहायता कर रही है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। और बच्चों परीक्षा में एक प्रश्न भी आता है कि रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अभी हम इस पर बात भी करेंगे। तो हम जानेंगे कि ये संयोजी ऊतक दिखती कैसे है। तो यहाँ पर आप देखिए संयोजी ऊतक जो है ये रेशेदार ऊतक है, इनमें जो कोशिकाएं होती है ये चिपकी हुई नहीं है। यहाँ पर आप कोशिकाएं दिख रही है, एकदम चिपकी हुई नहीं है, सटी हुई नहीं है, बल्कि दूर दूर है, इनमें काफ़ी गैप है। और इसमें एक विशेष प्रकार का घटक होता है जिसका नाम है कोलेजन, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और ये जितने भी ऊतक, ये जो रेशेदार कोशिकाएं है, ये एक प्रकार के मैट्रिक्स में पाई जाती है, एक प्रकार का पदार्थ है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके अंदर में ये प्रोटीन्स या कोलेजन या दूसरे प्रकार के और भी प्रोटीन होते हैं, इलास्टिन वगैरह, ये इसके अंदर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संयोजी ऊतक जो होते हैं इस प्रकार से रेशेदार ऊतक होते हैं और हमें ऐसे दिखाई देते हैं। अब ये जो संयोजी ऊतक होते हैं इसे और चार भाग में विभाजित किया गया है। पहला है अंतराली ऊतक, एरियोलर टिश्यू। दूसरा है वसीय ऊतक, एडिपोज टिश्यू। तीसरा है तरल ऊतक या फ्लूइड टिश्यू। और चौथा है कंकालीय ऊतक या स्केलेटल टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतराली या एरियोलर टिश्यू की। तो सबसे पहले आप देखिए कि अंतराली ऊतक दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है अंतराली ऊतक। ये जो अंतराली ऊतक होते हैं ये स्पॉन्जी होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और इनका भी काम होता है शरीर के अंगों को सहारा देना, और कहीं ना कहीं ये भी एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। अब ये कहाँ पर पाई जाती है, तो आप इसको देख सकते हैं, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में ये अंतराली ऊतक पाए जाते हैं। इसके अलावा ये तंत्रिका कोशिका के चारों ओर पाए जाते हैं, रक्त वाहिनी के चारों ओर ये अंतराली ऊतक पाए जाते हैं जो इनको दूसरे अंग से जोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही ये अंगों को सहारा भी देते हैं। और इस प्रकार से जो एरियोलर या अंतराली ऊतक है इसे हम वायवीय ऊतक भी कहते हैं।